Hi there everyone, welcome back to my channel guys. आज मैं वीडियो बनाने वाली हूँ मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक पे बिकॉज आई डोंट नो मुझे कितनी रिक्वेस्ट आ रही थी इसके ऊपर इज माय मेकअप ब्रशेस कलेक्शन. सो आई थॉट आई नॉट लेट्स जस्ट मेक अ वीडियो ऑन दैट. ठीक है, मैं अपने सारे ब्रशेस ना इस बॉक्स में रखती हूँ. आई रिसीव दिस बॉक्स फ्रॉम स्विस ब्यूटी, मतलब कुछ कोलैबोरेशन के लिए आया था तो मैंने ये इस तरीके का मैग्नेटिक बॉक्स था तो मैंने इसी में सारे अपने ब्रशेस जो है वो स्टोर करके रख दिए. वीडियो को स्टार्ट करते हैं बट यू गाइज नो द ट्रेल. अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो लाइक, शेयर विद फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल. एंड विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट रोलिंग. ओके सर, मेरे पास जिस तरीके के मेकअप ब्रशेस सेट है ना, मैं आपके साथ उसी वे में शेयर करूंगी कि मतलब कौन से ब्रश सेट में कितने ब्रशेस थे एंड कुछ सिंगल ब्रशेस भी है वो भी मैं आपके साथ प्रॉपरली शेयर कर दूंगी. जो यहाँ पे फर्स्ट मेकअप ब्रश सेट है ना मेरे पास वो है ये. दिस इज फ्रॉम अर्बन मैक रियल टेक्निक मेकअप ब्रश सेट. ठीक है, ये मैंने लिया था फ्रॉम एमेजॉन. यहाँ पे ना फर्स्ट स्टेप आपको एक इस तरीके का ब्रश मिल जाता है फ्लैट, इट्स दिस इज दी एक्सपर्ट फेस ब्रश. आप इसके हेल्प से अपना फाउंडेशन ब्लेंड कर सकते हो, कंसीलर. आई लव ब्लेंडिंग माई कंसीलर विद इट. फाउंडेशन मैं नहीं करती बट कंसीलर जो मैंने लगा रखा है ना ये इतनी इजिली फटाफट ब्लेंड कर देता है ना एंड इतना स्मूथली ब्लेंड करता है. आई लव यूजिंग फॉर ब्लेंडिंग विथ माई कंसीलर. देन आपको यहाँ पे मिल जाता है एक पाउडर ब्रश. यू कैन ऑल्सो यूज इट एज अ ब्लश ब्रश. इस तरीके से आप यूज कर सकते हो. द क्वालिटी ऑफ द ब्रशेज आर वेरी सॉफ्ट एंड वेरी वेरी स्मूथ. देन यहाँ पे मिल जाता है दिस सेटिंग ब्रश एंड आई एम इन लव विद दिस वन. दिस इज लाइक माई प्लीज एंड फेवरेट ब्रश. इस तरीके का कुछ है, इसके हेल्प से आप बहुत इजीली अपनी अंडर आई सेट कर सकते हो एंड लिटरली इतनी बढ़िया तरीके से सेट करते हैं ना आपको क्रीजिंग की प्रॉब्लम भी नहीं रहती है. एंड देन यू गेट दिस आई ब्रश फॉर डूइंग योर आई मेकअप. सो बेसिकली ना आपको चार ब्रशेज मिल जाते हैं एंड इसके साथ आपको एक ब्यूटी ब्लेंडर भी मिलता है. ये वाले जो पर्टिकुलर ब्रश सेट है ना, मोस्ट ऑफ देम का मैंने एक कंप्लीट रिव्यू वीडियो बना रखा है. हर किसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हो. सो यार, दिस वाज द फर्स्ट ब्रश सेट एंड इट इज एक्चुअली वेरी गुड एंड बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल भी था एंड बाइंग लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में होंगे. देन जो नेक्स्ट मेकअप ब्रश सेट है मेरे पास यहाँ पे वो है फ्रॉम मार्स. मार्स के बीच में थोड़ा टाइम पहले न्यू ब्रशेज आए थे सो ये वो वाले ब्रशेज है. फर्स्ट स्टेप आपको यहाँ पे मिल जाता है ये F02, दैट इज अ फाउंडेशन ब्रश. इस तरीके का फ्लैट कबूकी ब्रश है. बहुत इजिली आप अपना फाउंडेशन इससे ब्लेंड कर सकते हो. अगेन द क्वालिटी ऑफ द ब्रशेज आर वेरी गुड. जिनकी क्वालिटी मुझे एक्चुअली में अच्छी नहीं लगी ना वो मैं आपके साथ ऑलरेडी आपको बता के शेयर कर दूंगी. देन वी हैव दिस सेटिंग ब्रश. अगेन इसके हेल्प से आप अपनी अंडर आईज को पाउडर कर सकते हो या फिर आप अपना कॉन्टोर आपको लगाना है, ब्रॉन्जर लगाना है, वो भी आप इससे बहुत इजिली कर सकते हो. देन आपको यहाँ पे 3 आई मेकअप ब्रशेज मिल जाते हैं. फर्स्ट स्टेप इज दिस फ्लफी क्रीज ब्रश. इसके हेल्प से आप बहुत इजिली अपना क्रीज पे कलर प्लेस कर सकते हो. देन नेक्स्ट आप यू गेट दिस कंपेरेटिवली स्मॉलर राउंड ब्रश. इसके हेल्प से अगर आपको बिल्कुल अपनी क्रीज पे फोकस करना है, आउटर वी पे फोकस करना है, वो कर सकते हो. एंड देन यू गेट दिस स्मजर ब्रश. इसके हेल्प से ना आई लाइक अप्लाइंग माई लोअर लैश लाइन का आई शेडो. ये बहुत ही अच्छे तरीके से उसको लगा देता है. देन मेरे पास यहाँ पे कुछ मेकअप ब्रशेज है फ्रॉम कफ्स एंड लैशेज. ऑब्वियसली ये सेट में नहीं आते हैं बट मैंने जो सिंगल सिंगल कुछ कुछ बाय कर रखे हैं वो है. फर्स्ट अपना मेरे पास यहाँ पे है कफ्स एंड लैशेज का F010 फैन ब्रश. फैन ब्रश आप लोगों को पता है यू कैन अप्लाई हाईलाइटर विद द हेल्प ऑफ अ फैन ब्रश एंड इसकी क्वालिटी एक्चुअली अच्छी थी बट इस रिजल्ट के थोड़ा ऊपर नीचे है वो मुझे अच्छा नहीं लगा बट अपार्ट फ्रॉम दैट द ब्रश इज गुड. ठीक है, नेक्स्ट जो यहाँ पे मेरे पास है ना वो है फ्लैट टॉप कबूकी ब्रश. आई थिंक ये अभी आता नहीं है. आई लव यूजिंग दिस फॉर ब्लेंडिंग माई क्रीम ब्लशेज. मेरे को क्रीम ब्लशेज इससे ब्लेंड करना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है. ये अच्छे से ब्लेंड भी कर देता है एंड लाइक लिटरली ना बहुत ज्यादा कुछ स्ट्रोक्स वगैरह नहीं छोड़ता है, सो आई लाइक इट. देन नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे है ये मोटू सा पाउडर ब्रश. दिस इज कफ्स एंड लैशेज F014. इसके ऐसा आप पूरे फेस को पाउडर भी कर सकते हो, ब्लश भी लगा सकते हो, जो भी आप चाहो वो कर सकते हो. एंड देन ना आपको यहाँ पे मिल जाते हैं 2 आई ब्रशेज. मैंने यहाँ पे जो पहला आई ब्रश लिया है दैट इज कफ्स एंड लैशेज CS09. दिस इज दी बिग फ्लफी ब्रश बेसिकली फॉर आईज. अगेन आप अपना आई मेकअप इसके हेल्प से कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया. एंड क्रीज के लिए मेरे पास यहाँ पे एक और ब्रश है विच इज दी E005. अगेन इसके हेल्प से आप अपना क्रीज मतलब ब्लेंड कर सकते हो. दोनों में ना साइज में थोड़ा सा डिफरेंस है. सो यार, दीज वर द 5 ब्रशेज आई हैव फ्रॉम कफ्स एंड लैशेज. देन कम्स इज द स्विस ब्यूटी का मेकअप ब्रश सेट. ठीक है, ये भी पूरा सेट आता है. फर्स्ट इसमें ब्रश आपको मिलता है ना दैट इज कॉम्पैक्ट ब्रश F02. इस तरीके का फ्लफी सा ब्रश है, आप इसके हेल्प से कॉम्पैक्ट ब्रश दोनों चीजें कर सकते हो. देन आपको यहाँ पे मिलता है एक फाउंडेशन ब्लेंडर ब्रश दैट इज F06. अगेन अ फ्लैट टॉप कबूकी ब्रश. द क्वालिटी ऑफ दिस ब्रश इज वेरी अमेजिंग, ट्रस्ट मी. बहुत ही अच्छे से आप इससे ब्लेंड कर सकते हो. देन ना आपको यहाँ पे चार छोटे वाले ब्रशेज मिल जाते हैं. फर्स्ट स्टेप यहाँ पे आपको मिलता है इस तरीके का एक फ्लैट ब्रश विच इज बेसिकली अ कंसीलर ब्रश.
यू नो पैन में से निकाल के आप इजिली अपना कंसीलर इसकी हेल्प से लगा सकते हो। देन ये आपको तीन आई मेकअप ब्रशेज मिल जाते हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेप है किस तरीके का ब्रश। एक साइड पे आपको ये वाला एंगुलर ब्रश मिल जाता है अपनी ब्राउज को फिल इन करने के लिए, और उसके बैक साइड पे स्पूली है तो बहुत ज्यादा हैंडी होता है, लाइक आप फटाफट एक साइड से ब्राउज को फिल करके एंड देन उसको कॉम्ब आउट कर सकते हो। जो दो आई मेकअप ब्रशेज है ना, उसमें से पहला ब्रश है यहाँ पे आई शेडो एप्लीकेटर ब्रश। इट्स काइंड ऑफ अ फ्लैट शेडर ब्रश बट थोड़ा सा फ्लफी है, तो इसके हेल्प से ना आप अपने शिमर आई शेडोज जो होते हैं ना वो इस तरीके से लगा सकते हो इजिली। एंड देन आपको यहाँ पे मिल जाता है एक आई शेडो ब्लेंडर ब्रश, ये एक्चुअली बहुत ज्यादा स्मॉल है, तो फॉर एग्जाम्पल आप स्मोकी आई वगैरह कर रहे हो ना तो जो उसके हार्श एजेस होते हैं उसको ये इस तरीके से धीरे धीरे ब्लेंड करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। सो दिस वॉज द स्विस ब्यूटी का ब्रश सेट। देन आई हैव दिस ब्रश सेट फ्रॉम सुरोस्की, ये मैंने सुरोस्की की वेबसाइट से लिया था, इट्स नॉट द रियल सुरोस्की, इट्स सुरोस्की, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ क्या क्या ब्रशेस मिलते हैं। अगेन जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, मैंने हर किसी का ना अच्छा सा रिव्यू वाला वीडियो बना रखा है, आप नीचे जाके चेकआउट कर सकते हैं, सबका मिल जाएगा आपको। फर्स्ट यहाँ पे मिल जाता है सुरोस्की SF201 फैन ब्रश, यहाँ पे इसके हेल्प से आप अप्लाई कर सकते हो। ये एक्चुअली बहुत ज्यादा बड़ा और फ्लफी है तो बहुत बढ़िया तरीके से अप्लाई करता है। देन वी हैव दिस सुरोस्की SF207 फ्लैट टॉप कबूकी ब्रश फॉर ब्लेंडिंग योर फाउंडेशन, एंड ये भी बहुत बढ़िया वर्क करता है। नेक्स्ट अप वी हैव दिस पाउडर ब्रश सुरोस्की SF206, हर ब्रश में ना लिखा हुआ है आप किस ब्रश को किस चीज के लिए यूज कर सकते हो। इसको आप अपनी अंडर आईज को बेक करने के लिए, फेस को सेट करने के लिए यूज कर सकते हो। देन वी हैव दिस ब्लश ब्रश हियर दैट इज सुरोस्की SF203 फॉर अप्लाइंग योर मतलब ब्लश, आप देख सकते हो कलर ऑलरेडी लगा हुआ है। देन वी हैव दिस फ्लैट ब्रश फॉर बेसिकली अप्लाइंग योर फाउंडेशन, ऑब्वियसली आप फाउंडेशन लेके अपना इस तरीके से अच्छे से अप्लाई करने के बाद में उसको ब्लेंड आउट कर सकते हो। देन यहाँ पे ना दो छोटे ब्रशेस मिलते हैं। फर्स्ट अब जो ये वाला ब्रश है ना, दिस इज अ हाइलाइटर ब्रश, ये बहुत ही अच्छे से आपका हाइलाइटर इस तरीके से लगाने में हेल्प करता है। एंड देन वी हैव दिस एंगुलर छोटा सा ब्रश, दिस इज फॉर ब्रॉन्जिंग योर फेस, लाइक अगर आपको नोज ब्रॉन्ज करनी है, कॉन्टोर करना है, तो आप इससे बहुत इजिली कर सकते हो। नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पे मिनी सो के ब्रशेस, जो अगेन मैंने अमेजोन से लिए थे, एंड अगेन इसका भी मैंने कम्प्लीट रिव्यू वीडियो बनाया था जो आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आपको छोटा सा फैन ब्रश मिलता था, साइज इज सो अमेजिंग, एक्चुअली एकदम एक्यूरेट साइज एंड बहुत बढ़िया ब्रश। ट्रस्ट मी आई लव मिनीसो के ब्रशेस। मिनीसो के आई थिंक मैंने अब तक जो बेस्ट ब्रशेस ट्राई किया ना वो सिर्फ मिनीसो के ही है। सो यहाँ पे आपको एक फैन ब्रश मिल जाता है, देन फेस ब्रश में दूसरा आपको यहाँ पे एक पाउडर ब्रश मिलता है। आई लव अप्लाइंग माई ब्लश विद दिस, आप देख सकते हो इस पर ऑलरेडी ब्लश लगा हुआ है, ठीक है। बाकी के जितने भी ब्रशेज है ना, दैट इज फॉर आई मेकअप। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको मिल जाता है एक एंगुलर इस तरीके का आईलाइनर ब्रश, जिसके हेल्प से आप अपना आईलाइनर लगा सकते हो। देन वी गेट दिस एंगुलर स्पूली अगेन इस तरीके से ब्राउज को कॉम्ब आउट करने के लिए। देन यहाँ पे सारे के सारे आई मेकअप ब्रशेज हैं। फर्स्ट अपना एक छोटा सा इस तरीके का ब्लेंडर ब्रश है, अगेन बिल्कुल हार्श एजेस को स्मूथ आउट करने के लिए। देन वी हैव दिस टेपर्ड ब्लेंडिंग ब्रश फॉर योर क्रीज। देन वी हैव दिस अमेजिंग एंगुलर ब्रश, जिसके हेल्प से आप ब्राउज को फिल इन कर सकते हो। एंड देन वी हैव दिस स्मजर ब्रश, आई लव स्मजिंग माई ब्लैक काजल और कुछ ऐसे स्मोकी आई करने के लिए, मेरे को बहुत ज्यादा बढ़िया लगता है। देन वी हैव दिस क्रीज ब्रश, जिसका साइज बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। एंड देन वी हैव दिस फ्लैट ब्रश फॉर अप्लाइंग योर आई शेडोज शिमर्स और एवरीथिंग। एंड देन दीज टू ब्रशेज, ये दोनों थोड़े से टेपर्ड है बट ये थोड़ा सा फ्लफी है, ये थोड़ा सा कम फ्लफी है। अगेन इसका भी रिव्यू देखना है, ट्रस्ट मी दिस इज अ काइंड ऑफ मेकअप ब्रश, आई मेकअप ब्रश सर जो आपके पास जरूर होना चाहिए। इसका आप जो रिव्यू है नीचे डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हो। देन मेरे पास यहाँ पे आई मेकअप ब्रशेज का सेट है, जिसमें से थोड़े से गायब हो चुकी है, बट आई विल नॉट रिकमेंड दिस, क्योंकि आप जो मिनीसो वाला है ना वो मेरे को ट्राई करने के बाद इतना ज्यादा अच्छा लगा, एंड ऑनेस्टली वो उससे बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल भी था, तो आई विल नॉट रिकमेंड दिस, बट स्टिल आई वॉन्ट टू शेयर इट विद यू गाइज, ठीक है। फर्स्ट अपने यहाँ पे आपको इस तरीके का एक, ये भी मैंने अमेजोन से लिया था, ये किस तरीके का फ्लैट शेडर ब्रश मिल जाता है। मैं इसके हेल्प से एक्चुअली अपनी शिमर्स या कुछ भी लगा लेती हूँ। देन यू गेट दिस फ्लफी स्क्वायर ब्रश, एंड देन आपको मिल जाता है इस तरीके का एक एंगुलर ब्रश, जिसके हेल्प से आप अपना आईलाइनर भी लगा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। देन यू गेट दिस काइंड ऑफ अ पेंसिल ब्रश, जिसके हेल्प से आप अपना काजल वगैरह स्मज आउट कर सकते हो। देन वी हैव दिस आईलाइनर ब्रश है, जिसपे ऊपर आई डोंट नो क्या लग चुका है, आई थिंक ये आईलाइनर नहीं आई शेडो, ओके ये बाहर आ चुका है, सो ये ब्रश खराब हो चुका है, इसको हमें साइड फेंकना पड़ेगा। ओके देन यहाँ पे तीन आपको इस तरीके के ब्लेंडिंग ब्रशेस मिल जाते हैं। ये एक्चुअली मैंने बहुत टाइम पहले बाय किया था, बट आफ्टर यूजिंग द मिनीसो के ब्रशेस और बाकी ब्रशेस, मतलब मिनीसो में बेसिकली जो सेट मैंने आपके साथ शेयर किया उसमें मोस्ट ऑफ द जो ब्रशेस है वो आई शेडो के लिए थे, तो उससे वो 10 times बेटर है। देन ना मिनीसो के स्टोर से मैंने ये ब्रशेस बाय किए थे, स्टोर से अगेन इसका लिंक मैं आपको नहीं दे पाऊंगी। एक ये छोटा सा पाउडर ब्रश है, इसके हेल्प से ना आप कुछ भी लगा सकते हो, अगर आपको ब्लश लगाना है, हाईलाइटर लगाना है, कुछ भी काम
कर सकते हो। देन ये इस तरीके का मिलता है, एक साइड पे कोम्ब है एंड एक साइड पे स्पूली है। एंड यहाँ पे आपको दो आई शेडो ब्रशेस भी मिल रहे हैं, ठीक है। एक ये थोड़ा फ्लैट इसमें शिमर भरा पड़ा है बिकॉज मैं इससे अपना शिमर आई शेडोज लगाती हूँ। एंड देन ये छोटा सा यू नो इस तरीके से एजेस को ब्लेंड करने के लिए, तो मैंने स्टोर से लिया था, आई वोंट बी एबल टू गिव इट्स लिंक। देन ये मेकअप ब्रश सेट मैंने लिया था फ्रॉम नायका, आई फॉरगॉट इट्स नेम, इसका क्या नेम था, ठीक है। बट ना यहाँ पे आपको 5 आई मेकअप ब्रशेस मिलते हैं एंड 5 ही फेस मिलता है, जो फेस सब गायब हो चुका है, सिर्फ एक ब्रश रह गया है। इसमें ना बेसिकली क्या होता है ना, जिस तरीके के आई मेकअप ब्रशेज है ना उन्हीं को बड़ा करके फेस ब्रशेज है, तो आपको पता लग जाएगा। एक ही फ्लैट ब्रश है इस टाइप का, बाकी जो 4 अलग थे। जैसे इसमें आपको थोड़ा फ्लैट ऊपर से एंगुलर ब्रश मिल रहा है, वैसा बड़े में भी मिलता है। देन यहाँ पे एंगुलर ब्रश थोड़ा सा फ्लफी है, वैसे ही बड़े में भी होगा। देन ये छोटा सा पेंसिल वाला ब्रश ये है, तो बड़े में भी एक पेंसिल ब्रश इस टाइप का था। देन फ्लैट राउंड ब्रश ऐसा ही बड़े में था एंड फ्लैट थोड़ा सा मतलब थोड़ा ऊपर से राउंड वाला ब्रश, तो इसकी ऐसे हम यू नो क्रीज वगैरह फिल इन कर सकते हो। तो इसमें क्या होता है ना, 5 आपको आई ब्रशेस मिल जाते हैं, 5 फेस ब्रशेस मिल जाते हैं एंड इफ यू आर अ बिगिनर दिस इज लिटरली द बेस्ट कॉम्बो फॉर यू। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कुछ ऐसे ब्रशेस जो मैंने सिंगल सिंगल बाय किए थे। फर्स्ट ऑफ दिस ब्रश इज फ्रॉम मिनीसो, ये मैंने स्टोर से बाय किया था। अगेन मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, जो स्टोर से उसके लिंक मैं नहीं दे पाऊंगी। आई लव यूजिंग दिस फॉर अप्लाइंग माई ब्लश। देन ना ये छोटा सा जो ब्रश है ना, ये लॉरियल का मेकअप ब्रश सेट कुछ था, मैंने लोकल मार्केट से बाय किया था, उसके अंदर मुझे ये ब्रश मिला था। देन आई हैव दिस अगेन दिस यू नो टेपर्ड सॉर्ट ऑफ ब्रश फ्रॉम मिनीसो, आई लव यूजिंग दिस फॉर डूइंग माई यू नो ब्रॉन्जिंग एंड एवरीथिंग। देन दिस इज दी पैक फाउंडेशन ब्रश, इसका मुझे नंबर नहीं याद है, मैंने नायका से बाय किया था। आई यूज टू यू नो ब्लेंड माई फाउंडेशन विद दिस वन। एंड ये वाला जो फ्लफी सा ब्रश है ना, ये मैंने लिया था फ्रॉम एमेजॉन, इसका नीचे का हैंडल पता नहीं कहाँ चला गया, बट आप इसकी हेल्प से बहुत इजीली अपने फेस को पाउडर कर सकते हो एंड ब्लश भी लगा सकते हो। एंड नाउ ये कुछ छोटे मोटे से ब्रशेज हैं, जिसमें ना ये जो छोटा सा ब्रश है ये आई डोंट नो वेगा का था शायद, स्पूली। देन अगेन दिस फ्लैट शेडर ब्रश विच इज फ्रॉम वेगा, दिस अजीब सा ब्रश, आई डोंट नो, ये ना छोटा सा कुछ सेट आता था उसके अंदर था। अभी जो मैंने लॉरियल का आप लोगों के साथ वो ब्रश शेयर किया था ना, उसके साथ ही इस तरीके के 2 पेंसिल ब्रशेस भी मिलते थे। एंड देन आई हैव दिस एंगुलर ब्रश, ये देख रहे हो छोटा सा, आई डोंट नो ये किसके साथ आया था या क्या था, बट ये पड़ा हुआ है मेरे पास। एंड दीज 2 स्मॉल ब्रशेज अगेन, ये भी किसी छोटे से सेट में ही आए थे। एंड दीज वर ऑल ऑफ माई ब्रशेज गाइज, ठीक है। हर किसी का जिसका मैंने यू नो मोस्टली सबका ही मैंने एक रिव्यू वीडियो शूट किया हुआ है, उसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, बाइंग लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड इफ यू डू प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो अ लाइक, शेयर विद फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Till then, bye-bye.